महीना उस पोस्ट ऑफिस के पास उन आर्मी वालों से मिलने वाली है और वहां से वो उन्हें पालम बाजार लेके जाएगी, जहां ठीक 2 बजे बम धमाका होगा। आप यहां से जाएंगे, ओके? मुख्तार साहब, आप सर, आप इस साइड जी, और सिमर तुम सर, तुम यही ठहरोगी सर। इट्स माय ऑर्डर, नो आर्ग्यू। यहां तो कोई भी नहीं है। लगता है बलदेव साहब कोई आपको फॉलो कर रहा था। शक तो सर मुझे भी था कि कोई हमें देख रहा है, फॉलो कर रहा है। मतलब उसे हमारे यहाँ आने की इन्फॉर्मेशन पहले से मिल चुकी थी। ओके, इट मींस के इंतखाब को हमारे पहुंचने की पहले खबर मिल चुकी थी, तभी तो हमारे आने से पहले वो बच के भाग निकला। शिट,
Are you playing a joke, Mr. Lieutenant? मैंने तुमसे हमारे मिशन के लिए क्या मांगा था? एक ब्रेव, इंटेलिजेंट, रेस्पॉन्सिबल इंसान मांगा था, और आपने ऐसे दिया इसे, जो अनडिसिप्लिन्ड, अरोगेंट, सरफिरा, who doesn't respect anyone. सर, कैप्टन अभिमन्यु सिंह से बेटर ऑप्शन हमें नहीं मिलेगा. सर, वो मेरे ही नहीं, और भी दूसरे सोल्जर्स के आइडल हैं. उनके द्रास सेक्टर में किए हुए ऑपरेशन के चर्चे आज भी ऑफिसर्स मेस में होते हैं सर. He's a brilliant soldier, sir. तुम्हारा brilliant soldier पिछले 2 साल से suspended है. Sir, Captain अभिमन्यु सिंह के साथ जो हुआ वो एक हादसा था सर. बॉक्सिंग मैच में हारने के बाद अपने ओपोनेंट को बुरी तरह से पीटना हादसा नहीं गुंडागर्दी कहलाता है. मैं मानता हूँ सर, कैप्टन अभिमन्यु सिंह से कुछ गलतियां जरूर हुई हैं, बट आई थिंक ही डिजर्व्स अ सेकंड चांस. वी कांट डिस्ट्रॉय अ ग्रेट सोल्जर लाइक हिम सर. और वो मिलेगा कहां? I want to be strong. मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, पर अगर आपको फिर वो दर्द वापस मिला तो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा. बलदेव सर, हमें लास्ट राइट्स पे जाना होगा. सहीर सर ने हमें बुलाया है. बलदेव साहब, मुझे पता है ये सब इतना आसान नहीं होगा, अगर इस सब में किसी की गलती थी तो वो मेरी थी. मैंने जो कदम उठाया था वो गलत था. मुझे विदाउट बैकअप वहां जाना ही नहीं चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था. सॉरी सर. सर, इस वक्त मैं अकेला रहना चाहता हूं सर. बलदेव साहब, आप ठीक तो है ना? बलदेव साहब, मेरी तरफ देखिए.
बलदेव साहब आप किसी से बात नहीं कर रहे। जहीर सर आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपसे बात करूं। बलदेव साहब यू हैव टू बी ब्रेव। आप सही कह रहे हैं सर, बहुत ब्रेव थी वो लड़की, बहुत ब्रेव थी सर। पिछले 18 सालों में मैंने कई लोगों को जिंदगी से लड़ते हुए देखा है, और एक पल दुनिया में हजारों कारण है रोने के सर, पर उन हजारों कारणों के बीच एक एक मुस्कुराने की वजह ढूंढना बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल। बात क्या बात करूं मैं सर, किसकी बात करूं? एक लड़की थी जिसकी आंखों में हजारों सपने थे। अपने लिए, अपनी मां के लिए, अपने देश के लिए एक ऑफिसर जो लड़ना चाहती थी पर हमने उसे किया दिया, एक मौका मिला ले सकी हो। आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो, इसमें किसी की गलती नहीं है बलदेव साहब, किसी की नहीं है। आपको भी पता है कि रूल्स के हिसाब से हम उसे वहां नहीं ले जा सकते थे। अगर उसे वहां कुछ हो सर, रूल तो हमने तोड़ा ही था, अगर वो रूल भी तोड़ दे चलो तो आज वो हमारे साथ खड़ी होती। आप ठीक कहते हैं सर, हम लोग इमोशनल नहीं हो सकते सर, जय हिंद सर। जय हिंद लेफ्टिनेंट अभिषेक, हैव अ सीट। थैंक यू सर।
सॉरी सर, फील्ड में था इसलिए लेट हो गया। इट्स ओके। वेल अभिषेक, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। मेरी बात ब्रिगेड हेडक्वार्टर में हुई और उन्होंने इंक्वायरी के बाद अभिमन्यु का सस्पेंशन रिवोक कर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब उसको सिर्फ ब्रिगेड हेडक्वार्टर जाकर अपनी ज्वाइनिंग के लिए रिपोर्ट करना है। सर, आपने जो मुझ पर ट्रस्ट किया है, आई विल ट्राई माई बेस्ट की शिकायत का कोई मौका ना दूं मैं आपको। सर, अब तो बस इंतजार है कि कब ये विभीषण लंका में घुसकर लंका को ढेर कर देगा। आई होप सो। तो तुम जाओ फिर उसे लंका जाने के लिए तैयार करो। सर, तैयार तो वो हो जाएंगे, बस थोड़ा वक्त लगेगा। हमें तो सिर्फ उन्हें रास्ता दिखाना है, उन्हें बस यकीन दिलाना है कि आज भी वो वही अभिमन्यु सिंह हैं जो देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए सर, मैं अपनी पलटन और इंडियन आर्मी को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। गुड लक लेफ्टिनेंट अभिषेक, कीप मी पोस्टेड। आई विल कीप यू अपडेटेड सर। जय हिंद। जय हिंद। सर, आप कैप्टन अभिमन्यु? सर, अभिमन्यु। फाइनली, सॉरी सॉरी सर, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं, सर सुनिए ना सर, मुझे सिर्फ आपके 10 मिनट चाहिए। सर सुनिए तो सर, सिर्फ 10 मिनट, एक बार सर, सर सिर्फ 10 मिनट सर, प्लीज सर, सिर्फ 10 मिनट। यस सर, थैंक यू सर। सर, जैसा कि आप जानते हैं, ये टेररिस्ट जिहादी ग्रुप हर रोज हमारे खिलाफ कोई ना कोई ऑपरेशंस करते हैं, और जब भी ऐसा होता है, उनका कोई नया कमांडर आगे आता है और हमारे अगेंस्ट प्लॉट करता है सर। लेकिन इस बार सर, इस नए कमांडर के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। वो कहां से आया है, वो कौन है, कहां रहता है, हमारे सारे इन्फॉर्मर्स और सोर्सेज इसके बारे में कुछ नहीं बता पा रहे। सर, ये जो भी है बहुत शातिर है, ये दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला रहा है सर। टाइम अप, 10 मिनट हो गए तुम्हारे। नहीं सर, अभी 2 मिनट बचे हैं। सर, उसे पता है कि अगर हमें उसके बारे में पता चल गया तो सूनर और लेटर हम उसे ट्रेस कर लेंगे सर। लेकिन ये केस और भी कॉम्प्लिकेटेड होता है जब हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस जिहादी ग्रुप के लोगों को ही नहीं मालूम कि उनका नया कमांडर कौन है, कैसा है। सर, इट्स अ मिस्ट्री फॉर एवरीवन। टाइम अप। सर सुनिए तो सर, सर हम चाहते हैं कि आप इस मिशन पे जाएं सर, अंडर कवर बन के जाओ सर। सर, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, जाओ यहां से। सर, यू आर द बेस्ट मैन फॉर द मिशन सर, अंडर कवर बन के जाओ सर, इसीलिए हमने रिक्वेस्ट करके आपका सस्पेंशन भी रिवोक करा दिया है। कैप्टन अभिमन्यु सिंह, अपने लिए नहीं तो कम से कम देश के लिए तो सही। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूं, यहां कोई कैप्टन अभिमन्यु नहीं रहता है। अभिषेक सिंह, इतना आसान नहीं होगा। सर, बलदेव साहब, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांग रहा हूं। लेफ्टिनेंट सिमर के जाने का अफसोस मुझे भी उतना है
अपना आप लोगों का है। चुप रहिए, चुप रहिए आप। अफसोस है, लेफ्टिनेंट सिमर आपकी वजह से शहीद हुई है। बलदेव साहब, जो होना था वो हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं सर, बोलने दीजिए, आपका गुस्सा जायज है बलदेव साहब। मैं मानता हूं बलदेव साहब, मेरे इन्फॉर्मर ने मुझे गलत खबर दी थी और उसी गलत खबर के चलते हमने वही किया जो वो इंतकाम हमसे करवाना चाहता था। गलत, बिल्कुल गलत। हमने वही किया जो आप चाहते थे। इंतखाब के हाइड आउट में रेड मारने का प्लान आप ही ने बनाया था और आपको मालूम था कि इंतखाब वहां नहीं मिलेगा। लेफ्टिनेंट सिमर की जान सिर्फ आपकी वजह से गई है। बलदेव साहब संभालिए अपने आप को प्लीज। सर मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये आदमी भरोसेमंद नहीं है, पर आप मेरी बात नहीं माने। सर मेरा यकीन कीजिए, ये आदमी इंतखाब के साथ मिला हुआ है। क्या तुम्हें सब मजाक लगता है? बहुत मजे आ रहे हैं। तुम्हें पता है उस दिन रिंग के अंदर क्या हुआ है? कोई जवाब? I'm sorry. किसी की नजर ना लगे, ये जिंदगी भी कैसी चीज है। अपने पति के कातिल को हम खुद ही सजा रहे हैं। कातिल?